जयपुर में विधानसभा में आज राइट टू हेल्थ बिल को लेकर के प्रवर समिति की बैठक हुई है। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री प्रसादी लाल मीना की अध्यक्षता में इस बैठक में डॉक्टर्स प्रतिनिधि मंडल ने सभी ने चर्चा की है। वहीं आपको बता दें, बैठक में प्रतिनिधि मंडल ने इमरजेंसी की परिभाषा को लेकर के चिंता जताई गई और साथ ही किसी मामले में कोर्ट जाने पर पाबंदी को लेकर के चिंता जताई, जिस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि उनकी शंकाओं का समाधान किया जाएगा और इस दौरान डॉक्टर्स ने इलाज के भुगतान में देरी की लेकर के आशंका भी व्यक्त की। इस पर सरकार की तरफ से कहा गया कि इस पर कोई ठोस नीति लागू की जाएगी। अब प्रवर समिति की अगली बैठक विधानसभा में 15 फरवरी को होगी, जिसमें बिल के जरूरी प्रावधानों पर चर्चा होगी। वहीं आपको बता दें कि प्रवर समिति की बैठक में नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया, उपनेता राजेंद्र राठौर, विधायक अनिता बदेल सहित तमाम सदस्य मौजूद रहे। देखिए, जो जो मेडिकल बिल अमेंडमेंट लाया जा रहा है, इसके अंदर कुछ लेकुनाज हैं, तो हमने आज जो जयपुर के और विभिन्न डिवीजनों के मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल, प्राइवेट डॉक्टर्स हैं, उन सबको बुलाया था और उनके सामने डिस्कशन हुआ था कि ये जो बिल आ रहा है उसमें क्या क्या प्रॉब्लम है जिनको प्राइवेट डॉक्टर्स उनको ऑब्जेक्ट कर रहे हैं उसको लेके। तो उन्होंने, प्राइवेट डॉक्टर्स ने इमरजेंसी को लेके कुछ अपनी क्वेरीज की थी रिगार्डिंग सोर्स ऑफ पेमेंट और बाकी सिक्योरिटी ऑफ द डॉक्टर्स, और जो अपील है डॉक्टर्स की कि अपील हायर, आप कोई बगैर अपील के तो कोई भी मैटर नहीं हो सकता, तो डॉक्टर्स को अपील का अधिकार भी हो जुडिशियरी में, इसको लेके चर्चा हुई। उसमें काफ़ी ओपिनियंस आई, इसमें दोबारा से फिर अभी फाइनल नहीं हुआ है बिल, अभी उसमें अमेंडमेंट कर रहे हैं, जो प्राइवेट डॉक्टर्स के तरफ से क्वेरीज आई थी उसका अमेंडमेंट कर रहे हैं। दोबारा से 15 तारीख की फिर मीटिंग रखी गई है और ये सब जब शॉर्ट आउट हो जाएगा, क्योंकि डॉक्टर से ये पेशेंट के हित के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने 10 लाख का 25 लाख कर दिया, तो सरकार का व्यू है कि किसी तरह से भी आम नागरिक को मेडिकल हेल्थ संपूर्ण रूप से मिले, लेकिन साथ का साथ जो डॉक्टर्स हैं उनकी सुरक्षा पे भी कोई प्रश्न चिन्ह नहीं खड़ा हो जाए। आज जिन डॉक्टर्स को बुलाया था उनको सुन लिया, उनकी क्या क्या ग्रीवेंसेज है। अब 15 तारीख को प्रवर समिति फिर बैठेगी और उन्होंने जो सुझाव दिए हैं और जो मतलब उनमें कौन कौन से मानने लायक हैं, इन पर डिस्कस करके और फिर फाइनल ड्राफ्ट बनाए।